हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द एक्सरसाइज 6.4 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 10। इसमें मैं दो ट्रायंगल दिए हुए हैं। एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल इफ स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन। हमें प्रूव करना है कि उनके मीडियंस के स्क्वायर्स का सम अगर जो इक्वल होना चाहिए किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के रेशियो के इक्वल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सिमिलर ट्रायंगल है पहले, तो यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये हमें गिवेन है। ठीक है, और ये क्या है, ए एम और डी एन तो मीडियन है यहाँ पर। ठीक है, तो वी हैव टू प्रूव क्या प्रूव करना है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी एरिया ऑफ ट्रायंगल डीई एफ शुड बी इक्वल टू ए एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी एन स्क्वायर। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंस ए ट्रायंगल सिंस ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीई एफ, ठीक है, तो इसका मतलब इनके एरिया क्या होंगे, साइड्स के रेशियो में होंगे, साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो में होंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब एक चीज और हम यहाँ पर देखें कि ए बी डिवाइडेड बाय डी इक्वल टू क्या होगा, बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ इक्वल टू सी ए डिवाइडेड बाई एफ डी होगा। ये क्या, सिमिलर ट्राइंगल होने की वजह से। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी डिवाइडेड बाई डी इक्वल टू बी सी को हाफ बी सी डिवाइडेड बाई हाफ ई एफ कर देते हैं, इससे हमारे रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये आ जाएगा हमारे पास सी डी बाई एफ डी। ठीक है, तो मीडियन है, ठीक है, तो इसको हम हाफ भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा क्या, सी डी बाई एफ सी ए बाई एफ डी आएगा, सॉरी सी ए बाई एफ डी। ठीक है, अब यहाँ पर ये आ गया, तो इस ट्रायंगल में देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल डी ई एन, इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे, तो अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो इनके एंगल तो बराबर होंगे। ठीक है, जैसे ए बी सी और डी सिमिलर था तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई होगा। ठीक है, बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, दूसरी चीज इनके रेशियो भी बराबर होंगे, ये क्या है, ए बी बाई डी इक्वल टू बी एम डिवाइडेड बाई ई एन। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है, बी एम डिवाइडेड बाई, क्योंकि बी सी का हाफ लिखेंगे, ये हमने ऊपर जो लिखा है ना बी सी बाई टू एंड ई एफ बाई टू, ये क्या है, बी एम बाई ई एन। ठीक है, तो यहां से ये आ गया, अब हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या होंगे, दोनों ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एन बाई एस ए एस सिमिलरिटी। ठीक है, एस ए एस सिमिलरिटी से ये क्या हमारा प्रूफ हो गया, सिमिलर ट्रायंगल एज द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द corresponding sides।
Hence, area of triangle, means area of triangle ABC divided by area of triangle DEF equal to AB square divided by DE square equal to AM square divided by DN square. Hence proved.